The Dawn Express, Aina Sashka. हेलो दोस्तों, मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। धारूहेड़ा के सेक्टर 6 स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर यंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन संस्था द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद भिवांडी के चेयरमैन शीशराम तंवर, मनोज यादव, प्रतिनिधि विधायक संदीप यादव रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी शिक्षाविद दिनेश सैनी ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी ईश्वर सिंह पहलवान, संदीप बोहरा, राजेश कुमार उर्फ वानी, बाबूलाल लांबा भिवाणी के नगर परिषद के पार्षद तेज प्रताप तंवर, हवा सिंह दायमा, सुरेंद्र मुकदम, ततारपुर खालसा भिवाणी यादव, यादव समाज के पूर्व अध्यक्ष सुभाष यादव, अन्य गणमान्य व्यक्ति विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शीशराम तंवर ने कहा कि युवाओं को चाहिए कि शहीदों को अपना आदर्श मानकर नव भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। कार्यक्रम के अतिथि दिनेश सैनी ने कहा, इतिहास में स्वतंत्र सेनानी को आतंकवादी लिखकर उनके बलिदानों को भुलाने का प्रयास किया गया है तथा स्कूलों में पाठ्यक्रम में उन्हें नहीं पढ़ाया गया। यही कारण है कि आज 6 लाख से अधिक स्वतंत्रता सेनानी भी शहीद की श्रेणी में नहीं आ पा रहे हैं, परंतु उनके बलिदानों को भुलाया नहीं जा सकता। वहीं कार्यक्रम में प्रयास स्पेशल स्कूल के दिव्यांगजनों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। स्कूल की संचालिका मीना वीर ने बताया कि प्रयास स्पेशल स्कूल गत 6 वर्षों से दिव्यांगों की सेवा कर रहा है, जिसमें 38 दिव्यांगजन शिक्षा व व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत वीर ने सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और सामाजिक विभूतियों व संगठनों को इस अवसर पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर आत्मा सिंह, कैलाश सिंह, अंकित मुकदम, परमजीत सिंह कुमार, इंद्रजीत, जावेद चौहान, पवन यादव, अमित शर्मा, राजेश सोनी, सावित्री गौतम व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।